अगले कुछ ही घंटों में चक्रवाती तूफान वायु के गुजरात तट से टकराने की संभावना है। इसके लिए सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारियां पूरी की है और समुद्री तटों पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। तूफान से प्रभावित होने वाले इलाकों से 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वहीं तूफान के खतरे को देखते हुए कुल 80 ट्रेनें कैंसिल की गई और कई एयरपोर्टों से भी हवाई यातायात को सस्पेंड करने का फैसला लिया गया। मौसम विभाग के अनुसार तूफान गुरुवार दोपहर तक गुजरात के तट से टकराएगा। पीएम मोदी और साथी गृह मंत्री अमित शाह हालात पर बराबर नजर बनाए हुए हैं।